हमारा जो फेसबुक गया था वो वापस से आ चुका है, इसको बुला कर इसका पूरा शर्ट पैंट फाड़ दिया जाएगा। फिर इसको चला कर मारते हैं। हम भी थोड़ा बहुत जोक कर दिए है, कैसा लगा है जोक? सर्दी हो गई है इसके कारण बहुत ज्यादा ही परेशान है। ये देखो कितनी मस्त लग रही है। ओ भाई वो देखे किसका निकाल रहा है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी गए हुए थे पार्क, कि थोड़ा लेट उठे थे उसीलिए चले गए पार्क, तो बंद निकला। तो अब जा रहे घर, और साथ में देख रहे हो क्या लिए हैं, झाड़ी, इसे कचरी कहते हैं। सुबह तो एक पोपट हो गया, गए हुए थे पार्क, बंद निकला। रात में भाई बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी, पूरा देख रहा है तेल लगा कर सोए थे भाई, नींद नहीं लग रही थी, इतनी खतरनाक वाली सर्दी हो गई थी। अभी भी ठीक नहीं है बिल्कुल, नाक से सांस ही नहीं लिया जा रहा है। अभी फिलहाल इसको खाते खाते चलते हैं घर। अभी वहाँ गए थे घर, और घर से रेडी होकर अभी जा रहे हैं मंदिर के लिए। भोलेनाथ बाबा का दर्शन कर आते हैं मंदिर से, तो अभी चलते हैं मंदिर। कितना मस्त लगने लगा ये गली, देख रहे हो एकदम परफेक्ट हो गया। नहीं तो गाइस, इस गली से पहले जाते थे पूरा कचरा कचरा हुआ रहता था, अब ये बिल्कुल बन गया है। इसका विभाग 3-4 साल बाद खुला है। हर गली का लक खराब है, बस इसका लक अभी बिल्कुल सही हुआ है। हमारे भी गली का कभी लक सही होना रहेगा तो होएगा। भाई जुखाम आ जा रही है बार बार, सर्दी हो गई है इसके कारण बहुत ज्यादा ही परेशान है। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं मंदिर और दर्शन कर आते, तो मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली बाबा का दर्शन कर लिए, और घर के लिए एक बिल पत्र ले लिए हैं, क्योंकि जहाँ पर काम होता है उसको वहाँ पर रख देंगे। आज तो बढ़िया तरीका से बाबा का दर्शन हो गया, नहीं तो सोमवार को इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो देख ही रहे थे। और आज सर्दी ने तो परेशानी कर दिया है। अभी तो वैसे जा रहे घर, और किसी ने कल का गैस किया था कि वो स्विच कितने का होगा, तो आप बताइए गैस कर। अभी हम चलते हैं घर, तो बताते हैं। तो गाइस आए हुए थे मंदिर से, और मस्त खाना वाना खा लिए। खाने में आज था पराठा और साथ साथ पनीर का सब्जी जो रात में बना था, उसी को कहे थे मम्मी थोड़ा सा बचा देना। और मस्त सुबह पराठा और पनीर के सब्जी के साथ नाश्ता हो गया, और पेट भी भर गया। मंदिर से आते वक्त आपको रास्ते में बता रहे थे भाई, वो सूट का दाम ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 1000 से कम ही है। और मैं आपको बता रहा था कि वो सूज का दाम 80,000 भाई, वो जोक था, जानती है आप, वो जोक है। उसी लिए हम भी थोड़ा बहुत जोक कर दिए कल, कैसा लगा है जोक भाई? 1000 से कम ही था वो सूज का रेट, हम बता दिए थे 80,000 का सूज, 80,000 का। वैसे अभी फिलहाल चलते हैं, थंबनेल एडिट करना है, तो थंबनेल को एडिट कर लेते हैं, नहीं तो लेट होगा। हमको तो वो भी ये जुकाम इतनी तगड़ी वाली, तो उसके कारण लेट हो जाएगा भाई। जब लेट रहे इस कर रहे नीचे ना, सुर 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 करने लग रहा है। और ये चेक करो सामने भाई, कैसी लग रही है दूसरे की है। बट सुपर बाइक तो और भी प्यारा लगती है इससे भी, ये तो उसके आगे कुछ नहीं है, सुपर बाइक का बात ही अलग है। और ये देख लो कैसे सोया हुआ है भाई, ये देखो घर के बाहर मेरा इसी तरह सोता ही है। वैसे गाइस अभी जा रहे थे थंबनेल एडिट करने को, और थंबनेल एडिट कर फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली थंबनेल एडिटिंग हो चुकी है, और हमारा जो फेसबुक गया था वो वापस से आ चुका है। जो उस दिन एप्लीकेशन डाले थे आपको कहे नहीं थे 1 हफ्ते या 5 दिन के अंदर वो आ जाएगा, तो आई मीन हुआ है 1 हफ्ते तक, तो आ गया है दोबारा से। तो भाई उसी पे लगे हुए थे, तो सोचे हैं वीडियो भी उस पर अपलोड करे, तो एक वीडियो उस पर अपलोड किए हैं, बट क्रोम ब्राउजर से किए थे। अचानक से भाई अपलोड किए दिख ही नहीं रहा पेज में,
पता नहीं कहाँ पर अपलोड हुआ है, कहीं खोज रहे दिख ही नहीं रहा है, तो जाकर देख रहे थे यूट्यूब पे यहाँ से वहाँ, भाई इतना वीडियो देखे तभी भी समझ नहीं आ रहा है। तो क्या छोड़ो उस बात को, अभी फेसबुक पे वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, जब उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी तब वीडियो अपलोड करेंगे। जो जुकाम हुई है इतनी परेशान करके रखी है, वीडियो बिल्कुल भी बनाने को मन नहीं कर रहा है, बोल रहे तो भाई बार बार छींक आ रहा है, उसीलिए केवल चुपचाप घर में बैठे हैं और थोड़े जा रहे हैं रेस्ट करने को। भाई छींकते छींकते सर धर लिया है। तो भाई फाइनली हम तीनों लोग का कपड़ा रेडी हो चुका है, बट हम और आदित्य अपना अपना कपड़ा लेकर वापस आ गए। कल तो हम अपना लेकर आ गए और आदित्य आज अपना लेकर आ गए, बस पीयूष को लाना है अपना जाकर। ये कल नहीं था तो हम अपना ला लिए, राज पीयूष नहीं है तो ये अपना ला लिया, कल हम लोग नहीं रहेंगे तो पीयूष अपना ला लेगा। तो इसका भी हो गया पूरा फुल सेट, देख रहे हो अभी चेंज कर रहा है, अब मस्त होली में तबाही होगी। कैसी तबाही? फड़फड़ी, नया कपड़ा, नए कपड़ा को फड़वाया जाएगा। बस कंफ्यूज है लोग ना कि होली में ब्लॉग कैसे शूट किया जाएगा, पता चलेगा मोबाइल लेकर निकले ब्लॉग शूट करने के लिए तो डायरेक्ट आएगा पानी मोबाइल पे, छप से वाइट हो जाएगी, मोबाइल में से कुछ दिखे ही गए थे, पूरा खत्म हो जाएगा। देखते हैं होली के दिन में कैसे मोबाइल से हम लोग शूट करते हैं लोग, बस सिंपल होली के दिन ब्लॉग किया जाएगा एकदम अबीर से, हम लोग आपस में खेला जाएगा, उसको यहाँ पर बुला कर उसका पूरा शर्ट पैंट फाड़ दिया जाएगा। आगे नहीं बोलना चाहिए था हमको, ये ब्लॉग देखेगा ना तो उसको पता चल जाएगा, उसको नहीं बट दूसरे को बुला कर पूरा उसका कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया जाएगा, चड्डी भी नहीं छोड़ा जाएगा, चड्डी भी नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा लंगा उसको भेजा जाएगा यहाँ से घर, बट हमारा कोई मत फाड़े, हम लोग का फट जाएगा, बस ऊपर का शर्ट फट जाएगा, बस हम लोग का पैंट नहीं फटना चाहिए, नहीं तो हम लोग का तो हो जाएगा, समझ रहे हो? पीके वाला हाल, बाजा लटका कर घूमना पड़ेगा आगे की तरफ, गजब। इमेजिन करो कि कैसा लगेगा जब बाजा लगा कर सब कोई होली के दिन निकलेगा। एक बात हम होली का भूलते नहीं है, हमारे ही गली में एक लोग पानी भर रहा था, बता रहे लो आदित्य कैमरा पकड़ो, जानते हो क्या कर रहा था? मानिए ये एक बाल्टी है, बाल्टी इस तरह पानी भर रहा है उसमें रंग मिलाने के लिए, जैसे पानी उसमें भर रहे थे कोई आ रहा है उधर से, पी लिया था वो, पिया हुआ था वो पानी भर रहा था बेचारा, उसके इधर थोड़ा सा फटा था पिछवाड़े, वो उस तरह जा रहा था और उसका फटा हुआ था लेकर उसी में हाथ लगा मार रहा चढ़ से था बेचारा, वो पानी भर रहा है उसका, तो वहां पर फूल बेइज्जती हो गई भाई। वो बात आज तक हम भूले नहीं, वो तीन चार साल बात हो गई लेकिन अभी तक भूले नहीं है होली का, बाकी सब तो सिंपल रहता है भूल जाते हैं, कोई ऐसा बात याद हो जाता है ना कि वो बात आदमी जल्दी भूलता ही नहीं है। वैसे आज भाई दिन में तो इतनी ज्यादा जुकाम हो गई थी तो ना ही ब्लॉक किए ना ही कुछ किए, क्या करे आज बाहर भी नहीं गए, ऐसी जुकाम हुई थी, सुबह का जो गए रेस्ट किए हैं बट अभी सही है, देख सकते हो अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, जैसे लेटे हुए थे घर में, लेटने से ये फायदा था कि दूसरे वाला चैनल है जेके ज्वेलर्स वाला, बैठे बैठे उसके लिए भी वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, अपना तो रात में कर लेते हैं, हो जाता है मेरा रात को, उसका जल्दी नहीं हो पाता है, तो उसको आज लेटे हुए थे तो उसका भी एक वीडियो एडिटिंग कर चुके हैं, उसको भी डाल देंगे, क्योंकि भाई अकेला हूँ और दो दो चैनल, दो इंस्टाग्राम, दो यूट्यूब, दो फेसबुक संभालना रहता है, समझ रहे हो ना भाई कितनी बर्डन आ जाती होगी, तो उसीलिए एक बार में सारा अपलोड नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे कर कर अपलोड करते हैं बट कर देते हैं। अब इसका भी चैनल को पता नहीं क्या हाल चल रहा है, इसका भी बढ़िया गया, मेरे से भी सब्सक्राइबर हाई हो गया है, मेरे से डबल इसका सब्सक्राइबर हो गया है, बट पीयूष तो आजकल इंस्टा पे ट्रेंड चल रहा है, हवा में उड़ रहा है, क्या कर सकते हैं, अभी कुछ ही देर में चला जाएगा बाहर तो मिला जाएगा। अभी निकले लो बाहर थोड़ा इसी तरह घूमने के लिए, और उसका ये देखिए राक्षस बुद्धि जाएगा नहीं, चलते रोडों पे किसी का दुकान में से कुछ निकाल ले रहा है, छोटा मोटा दुकान है मूंगफली का तो मूंगफली के दुकान में से कुछ निकाल ले रहा है, एक लड़का जा रहा था एक चीज लेकर, उसमें हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, वो देख लिया है भाई, इसको शर्म नाम की चीज ही नहीं है। अरे एक भेलपुरी का दुकान था तो भेलपुरी में से मटर उसका निकाल लिया खाने के लिए, भाई पॉपुलर बन रहे हैं, अब ये सब काम नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे भाई। देखिए किस तरह निकाल रहा है, उधर ताक रही है भाई, हाथ लगा कर निकाल भाई, इसका राक्षस बुद्धि जाएगा नहीं भाई, चोर है, कब पॉकेट में से पैसा निकाल लेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा, इससे सावधान रहे, ये पॉपुलर हो रहे हैं, चोरी करेंगे, आप लोग आएंगे लोग मीटअप करने तो ये आपके
पॉकेट में से चोरी कर पैसा निकाल लेगा। कभी भी आए फोटो मत खिंचवाए। कभी भी आए फोटो मत खिंचवाए। तो अभी हम लोग आए भोले बाबा के मंदिर के साइड। सुबह आए थे भाई, कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ थी। अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है। इसको देखिए निकालने के लिए, ये देखिए भाई यार, इसका रात से बुद्धि नहीं जाएगा। मंदिर से दर्शन कर वही से टर्न ले लिए लोग घर के लिए। देख रहे हैं इसको मुंह में कुछ ना कुछ तो खाते ही जा रहा है। और अभी हम पीयूष को एक चैलेंज देते हैं कि इसको ना होली के दिन इसका पूरा शर्ट पैंट फाड़ देंगे। देखिएगा, चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। हम भाई जो इसने बात बोली है ना, हमको कट करना पड़ेगा ये वीडियो में। भाई इतना गंदा इंसान है ये, देखिए फिर से गया। ऐसा चीज बोला है तो हमको कट करना पड़ेगा वहाँ का। लेकिन हम चैलेंज वो कर रहेंगे, या तुम हमारा कपड़ा फाड़ दोगे या मैं तुम्हारा कपड़ा पूरा फाड़ दूंगा। अभी फाड़ दे, अभी इसका फाड़ दे, अभी बच गया। अभी यहाँ से जा रहे लोग घर। अब थोड़ा गए थे लोग वहीं से टर्न ले लिए लोग, क्योंकि आज इतना शादी पड़ा है कि बाहर निकल रहे हैं तो भाई हर जगह डीजे का साउंड आ रहा है, तो पूरा बैकग्राउंड में वही सुनाई दे। भाई देखो गए थे ना, हर जगह शादी पड़ी आ रही है। देखो कितनी मस्त लग रही है। ओ भाई चल फिर डांस कर रहे हैं। भाई ये रास्ते में टमाटर उठाए, जमीन पे गिरा हुआ था, देख रहे हो ना। अभी पीस को चला के मारते हैं। देखो चल रहा है ना आगे, किस तरह चल रहा है ये देखो जरा। ये डांस कर, डांस कर। ये देख रहे हो किस तरह चल रहा है। तो भाई मारे तो दौड़ा लिया है भाई, भग गए वहां से। और अभी आ चुके लोग घर की तरफ। और ये देखो वहां पर, देख रहे हो किस तरह खड़े सब। देखो आ रहे सब। ओए ओए, ये सब इंस्टाग्राम के आदित्य के फैन है सब। बट ये काटने मरते, ये देख रहे हो सबका पैर ही धरता है। ये समझदार है, उसको काटने से मना करती है, देख रहे हो। तो गाइस अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देता है। अगर ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। देख रहे हो कोई है ही नहीं दुकान पे, तो देख रहे हो निकाल रहे उसका घास निकाला है खाने के लिए।